जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। बारामती में फिर होंगी पवार वर्सेस पवार की लड़ाई। यूसुफ पर पीएम मोदी के बयान में भारत की मुसलमान संतुष्टि नहीं, महिला होकर भी आंदोलन से डरती है, बांग्ला सीएम अधीर रंजन का आया बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बारामती में फिर से होंगी पवार वर्सेस पवार की लड़ाई। एनसीपी नेता अजित पवार के एक बयान से महाराष्ट्र के सिसोई गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी की जुबान पर राज्य की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बारामती है। अजित ने इशारे ही इशारों में गुरुवार को पुणे में कहा कि उनके बेटे जय पवार को आगामी विधानसभा चुनाव में बारामती में उतारा सकता है। आइए जानते हैं कि अजित पवार ने अपने बयान में क्या कहा था। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि मुझे तो अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैंने 7 से 8 चुनाव देखे। इसी संदर्भ में संघीय बोर्ड निर्णय लेता था, जनता जो मांग करेंगी उस पर विचार किया जाएगा। यानी कि अजित पवार के इस बयान को सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूसुफ पर पीएम मोदी के बयान से भारत के मुसलमान संतुष्ट नहीं है। स्वतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मोदी ने लाल किले में भाषण देते हुए एक बार फिर सामान्य नागरिक शहीद का जिक्र किया था, जिसके चलते इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्त शहाबुद्दीन राजीव वलेरियो की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रॉमन 7 कोड को लेकर लाल किले से दिए गए भाषण से भारत के मुसलमान संतुष्ट नहीं है। अगर ये लागू होता है तो इससे समाज का ताना बाना टूट जाएगा। हर समाज और हर कौर के अलग अलग नियम होते हैं, जिंदगी गुजारने के लिए वसूल होते हैं, जो समान नागरिक सहित में नहीं आ सकते हैं। मेरा मानना है कि अब हमज और अपना वसूल अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक वसूल और एक कानून हमारे भारत में नहीं रह सकता। भारत में सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन कानून और समाज भाईचारा खत्म कर देता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महिला होकर भी आंदोलन से डरती है बांग्ला सीएम अधीर रंजन। महिला होकर भी आंदोलन से डरती है बंगाल सीएम अधीर रंजन चौधरी का आया बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला होकर भी आंदोलन से डरने लगी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग महिला साथ के साथ जो कुछ भी हुआ, यह दरिंदगी की मिसाल बन चुकी है, जिसके चलते पीड़ित के परिवार वालों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मामले की असलियत उजागर नहीं होनी चाहिए, इसका बंगाल के मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रही है। मेरी आशंका है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर बंगाल का पुलिस बल, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी का भांडाफोड़ हो। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।